छी 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 छी, शर्म तो नहीं आ रहा होगा। 10 विकेट से टीम इंडिया 10 विकेट से हार गई, वो भी इंग्लैंड से। चलो एक बार इस बात की तसल्ली है कि इंग्लैंड से हारे हैं, इंग्लैंड से हारने में भी थोड़ी इज्जत तो मिलती ही है, लेकिन अगर फाइनल में पाकिस्तान से हारे होते तो सच बता रहे हैं किसी नदी या तालाब में कूद कर मर जाते, लेकिन इनका मैच दोबारा नहीं देखते। लेकिन शर्म तो इनको आता ही नहीं है, पहले हार जाएंगे उसके बाद फिर एक दूसरे पर दोष मढ़ते रहेंगे। आपने देखा होगा जब से इंडिया हारी है हर कोई अपना अपना बयान देने पे लगा हुआ है। रोहित शर्मा कह रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स को प्रेशर झेलना नहीं आता। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये लोग हारने के बाद ऐसी बातें करते कैसे हैं। उनका कहना है कि यही प्लेयर जब IPL में खेलते हैं तो बहुत अच्छा प्रेशर झेलते हैं। मतलब कोई समझाओ इनको, IPL में खेलते हैं किसी मिलेनियर यानी एक मालिक जो इनको ख़रीदा होता है उसके लिए जब ये खेलते हैं तो वो बहुत बड़ा प्रेशर होता है, लेकिन जब इंडिया टीम के लिए खेलते हैं तब इनके ऊपर प्रेशर ही नहीं होता, इनको झेलना ही नहीं आता है, वो उसको सीरियसली लेते ही नहीं हैं। अजीब विडंबना है, एक आदमी के लिए जब खेलते हो तो उस समय बहुत सीरियस होते हो, सारे बहुत प्रेशर खुद आते हैं IPL में और ये प्लेयर बहुत अच्छे से झेल जाते हैं, लेकिन जहाँ 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीदें इनसे जुड़ी होती हैं वहाँ का प्रेशर इनसे झेला नहीं जाता है। चलो कोई बात नहीं, बड़े लोग हैं, कुछ भी छोड़ देते हैं और हारने के बाद अपना दोष किसी और पर मर देते हैं। रोहित शर्मा कह रहे हैं कि इनके बैट्समैन ने बहुत अच्छा काम किया। अरे भैया, सारे बैट्समैन ने नहीं, सिर्फ 2-4 को छोड़ दो तो बाकी बैट्समैन ने गढ़ा जैसा खेला है, यानी कि किसी काम के नहीं रहे हैं, चाहे वो KL राहुल हों या खुद रोहित शर्मा रहे हों। एक लंबे समय से अच्छी पारी की उम्मीद इनसे की जा रही है लेकिन इनसे हो नहीं रहा है, लेकिन कप्तान खुद हैं ये, और जैसे तैसे मिडिल ऑर्डर आके थोड़ा सा नैया को पार लगाने की कोशिश करता है, उसी पे टीम इंडिया को मेडल चाहिए भैया, अवार्ड इन्हीं को चाहिए, क्योंकि इनकी मिडिल ऑर्डर के दम पर ये मैच जीतते हैं और अवार्ड इनको चाहिए। बाकी टीमें जो अच्छे से खेलती हैं उनको घंटा थमाएंगे ये, क्योंकि उनको तो अवार्ड नहीं चाहिए, वो तो यहाँ पे 11 चूस लेने आए हैं। कोई बात नहीं, और सबसे बड़ी बात रोहित भैया, जब तक आप भुवनेश्वर कुमार और ऋषभ पंत को अपने टीम में रखेंगे ये पनौती टीम कभी नहीं जीतने वाली। जिस दिन हम ऋषभ पंत और भुवनेश्वर कुमार को इंडिया टीम में देखते हैं हम तो मान लेते हैं कि भैया हो गया कल्याण, अब ना जीतने वाली, और सच में ये दोनों आते हैं तो साबित कर देते हैं ये इस टीम के बहुत बड़े वाले गढ़े हैं जिसको आप कितना भी भरना चाहो कभी नहीं भर पाएगा। और बॉलिंग तो ऐसी कि पूछो मत, एक बच्चा भी उड़ा उड़ा के मारे। इससे अच्छी तो नीदरलैंड आयरलैंड की जो टीमें हैं वही है, कम से कम 4-6 विकेट ले तो लेती हैं, ऐसे तो नहीं हार जाती कि 10-10 विकेट से हार जाएं और कहीं मुंह दिखाने लायक न रहें। कहने को ये टीम इंडिया है, वर्ल्ड की नंबर वन टीम, कद्दू के नंबर वन टीम हो, तुमसे एक विकेट तो लिया नहीं जाता। कभी पाकिस्तान से 10 विकेट से हार जाते हो, कभी इंग्लैंड से हार जाते हो, अरे बेशर्मों कम से कम 1-2 विकेट तो ले लिया करो, उसके बाद छोड़ा करो जितना छोड़ते बने। लेकिन ना, वर्ल्ड के बैट्समैन भी अच्छे यही हैं, बॉलर भी यही हैं, टीम भी है, और सच कहें तो पैसा भी इन्हीं के पास ज़्यादा है, यही दुर्भाग्य है, वरना ऐसी टीमों को तो दाने दाने के लिए तरसना चाहिए। हर कोई नहीं, अब मजाक का पात्र तो इन्होंने बना ही दिया है, शर्म तो आएगा नहीं, जब तब आगे कहेंगे ड्रीम इलेवन पर ये करो, ड्रीम इलेवन पर वो करो, पूरे देश के युवाओं को जुआ खेलने पर इन्होंने लगा दिया है और खुद तो इनसे अपना गेम खेला नहीं जाता। और सही कहते हैं एडवे कि अगर ये क्रिकेटर नहीं होते तो कोई नाव होता, कोई बेकरी चला रहा होता, तो कोई एक्टर होता, लेकिन ये क्रिकेटर नहीं होते क्योंकि इनके पास और कोई टैलेंट है भी नहीं। अच्छा हुआ कि आपको इंडियन टीम में जगह मिल गई, वरना जैसे आप नाक कटाते हो इंडियन टीम में आकर अपने काम में रहते तो बहुत अच्छे से समझ में आता। और समझ में नहीं आता कि आखिर ये भुवनेश्वर भैया कब सुधरेंगे, इनका तो मतलब बॉलिंग ही मेरे समझ में नहीं आता। ये जब आते हैं 20-20 रन दे के जाते हैं, इनका तो ऐसा लगता है कि इनके नाम पे चेक कटा हुआ है कि 10 रन से नीचे तो हम देंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। अरे यार, इससे अच्छे तो अर्शदीप है जो अभी नया प्लेयर है और ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, कितना अच्छा खेलता है। भुवनेश्वर कुमार जब हाथ में बॉल लेते हैं तो मैं तो समझ जाता हूँ कि 10 से 15 रन लिख लो, और जैसे ही पंत बैटिंग के लिए आते हैं दिमाग में ये बात फिक्स हो जाती है कि ये बंदा 4-6 रन 10 रन से ज़्यादा मारेगा नहीं, और जितनी जल्दी आया है 5-10 मिनट में वापस भी निकल जाएगा। और यही दो प्लेयर हैं जो इस टीम को गढ़ा बनाए हुए हैं, चाहे भुवनेश्वर भैया की बॉलिंग हो या पंत की मिडिल ऑर्डर में बैटिंग हो, कभी भी अच्छी नहीं होती है। इनके बदले किसी नए प्लेयर को मौका दे दे तो शायद वो इनसे बढ़िया प्ले कर जाए और उसका कुछ रेस्पॉन्स भी मिलेगा। अरे कम से कम पाकिस्तान की टीम से देख लो भैया, इनके ओपनर कितना अच्छा खेलते हैं और इनके बॉलर तो पूछो ही मत, बॉलिंग के दम पे तो ही वो वर्ल्ड कप जीतेंगे और वो जीत भी जाएंगे क्योंकि इनकी बॉलिंग इतनी अच्छी है। लेकिन हमारे ना ही ओपनर चलते हैं, सिर्फ शोपीस के ओपनर हैं, कहने को कोई कैप्टन है कोई वाइस कैप्टन है, लेकिन
काम के बिल्कुल भी नहीं है। और बॉलिंग तो इतनी रद्दी की पूछो, जैसे मोहल्ले का क्रिकेट खेल रहे हो वैसी इनकी बॉलिंग है। देखे ना इंग्लैंड टीम वाले किस तरह से उड़ा उड़ा मार रहे थे, भूसा छुड़ा दिए एकदम। आज रात को नींद तो आएगी नहीं, क्योंकि एक ऐसा पार्टनरशिप जो 170 रन मार सकता हो, वो भी इंडिया टीम के खिलाफ, मतलब अपने आप में वो क्या चीज़ होंगे। आप सोचो, अंदाज़ा लगाओ कि इन्होंने किस लेवल की बेइज्जती करवाई है आज। कम से कम हारे होते तो ढंग से हारते, शर्म तो नहीं आता हमें कि इंडिया टीम को हम सपोर्ट कर रहे थे। एकदम गढ़ा जैसा खेले हो आप सब। चलो ठीक है, जैसे तैसे बैटिंग मिडिल ऑर्डर जैसे हमेशा संभालती थी, आज भी संभाली, थोड़ी सी इज्जत बचा ली। लेकिन आप लोगों ने बॉलिंग का जो ऐसा कबाड़ा किया है ना कि मत पूछो। अगर कोई एक हमें ही बुला लेते भैया, विकेट तो हम भी नहीं लेते, हम भी खेल लिए होते। क्यों भुवनेश्वर कुमार और आलतू फालतू बॉलर्स के रोके हो, किसी नए बॉलर को मौका दे दो, कम से कम वही हो सकता है एक दो विकेट ले ले। हारो यार तो ऐसा मत हारो कि एकदम मतलब नाक ही कटवा दो, पर एकदम बेकार खेलते हो। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन ड्रीम इलेवन कभी मत खेलिएगा, ये मनहूस। जब भी आपसे कोई चीज़ डाउनलोड करने के लिए कहें, कोई गेम खेलने के लिए कहें, तो ये मान लीजिएगा कि ये हमें नहीं खेलना है, ये हमें गलत राह पर ले जा रहे हैं और अपने तो पैसा कमाएंगे और देश का नाम बर्बाद करेंगे। इनके कहे हुए किसी भी गेम को खेलना ही नहीं है। फिलहाल जो करना है करिए, लेकिन मन में अगर कुछ है तो दे दीजिए, क्योंकि आज ये उसी के लायक हैं। ट्रॉफी तो इनको मिलेगी नहीं, और ट्रॉफी की जगह इनको कद्दू पकड़ाइए और अपने घर जाएं और वहीं बैठ के ड्रीम इलेवन पर सट्टा लगाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।